ए हाय दोस्त, श्री कृष्ण जी का मैं एक जो भी बुक पढ़ रहा था उसमें मुझे कुछ लाइंस मिले जो आपको बताना चाहता हूँ। उसमें भी अपना एक लाइफ लेसन है जो आपको भी काम में आएगा, वही मैं आपको बताता हूँ। जरूरत से ज़्यादा अच्छे बनोगे तो ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल किए जाओ। जितना आप अच्छे बनोगे उतना ही लोग आपका इस्तेमाल करते रहेंगे। संसार में शरीफ बनने से काम नहीं चलता। जितना दबोगे उतना लोग आपको दबाते ही रहेंगे। यही प्रकृति का नियम है। कभी कभी रिश्तों की कीमत वो लोग समझा देते हैं जो लोगों का आपके साथ कुछ रिश्ता भी नहीं होता है, उसी लोगों को हम भगवान कहते हैं। वो भगवान के रूप में आपके ज़िंदगी में आके आपको ज़िंदगी का एक लेसन दे के चले जाते हैं। भलाई करते रहिए पानी की तरह, बुराई खुद ही किनारे लग जाएगी कूड़े कचरे की तरह। ये बहुत बड़ा सेंटेंस है, ध्यान से सुनिए। भलाई करते रहिए अच्छे कर्म करते रहिए, बुराई खुद ही किनारे लग जाएगी कच्चे कूड़े कचरे की तरह। यही भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। भाई लोग, श्री कृष्ण जी ने यही कहा है कि जी अच्छा, कोई भी भगवान हो, श्री कृष्ण हो, वासुदेव हो, महादेव हो, ब्रह्मा हो, विष्णु हो, सब लोग एक ही है। तो अच्छे कर्म करते रहो, अच्छे फल मिलेंगे। जो भी लोग आपको तकलीफ दे रहे हैं अच्छे कर्म करते समय भी या किया तो भी आपको तकलीफ दे रहे हैं, अभी भी आपको जो तकलीफ देने के लिए आतुरते से जो भी है उसको उत्साह से आपको तकलीफ देने के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनको तकलीफ देने बोलिए। क्योंकि आपके कर्म अच्छे हैं तो भगवान वो तकलीफें आप तक आने नहीं देंगे। यही आज का लेसन था। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।